अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर आफियत होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। तो एक बार फिर हम यहाँ पे आए क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर का केयर हम किस तरह से करेंगे और उनकी मेंटेनेंस किस तरह से हम बरकरार रखेंगे, दैट्स आवर टॉपिक टुडे। सो सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ के बारे में देखोगे, अपनी चीज़ों के बारे में देखोगे जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स वेदर इट इज़ आवर बुक्स, टेकिंग केयर अपनी चीज़ों का करना वेदर इट इज़ आवर बुक्स या क्लोथ्स होंगी या फर्नीचर होंगी या गॉडजेट्स होंगे, हर एक चीज़ जो है इंसान की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जब ये चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सो इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टेकिंग केयर ऑफ मतलब हर एक चीज़ का, टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हर एक चीज़ की जो है हमें, हर एक चीज़ का जो हमें केयर करना चाहिए। तो यहाँ पे बात आ गई कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस, टेकिंग केयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब हर एक चीज़ को, चीज़ जो हमारी लाइफ में होता है उस की उसका केयर करना चाहिए, चाहे वो हमारे बुक्स हो, क्लोथ्स हो, जो भी हो, वट एवर। लेकिन यहाँ पे बात है कंप्यूटर की, यहाँ पे बात आ गई अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या क्या आता है, सच एज कंप्यूटर एंड मोबाइल्स की बात आ गई। कंप्यूटर एंड मोबाइल्स हेल्प्स देम टू वर्क प्रॉपरली। जब हम इनका भी केयर करेंगे तो ऑब्वियसली ये वर्क जो है ये प्रॉपरली वर्क करेंगे अपना, जब हम इन चीजों का केयर करेंगे, मोबाइल्स का एंड कंप्यूटर का। इतना ही नहीं, हर एक चीज का जब आप केयर करोगे चीजें जो है स्मूथ वे पे जो है रन करेगी। कंप्यूटर एंड मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, जैसा कि आप एज यू नो एवरी वन दैट कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। वैन वी महंगे हैं, जब हम वैन वी टेक गुड केयर ऑफ देम, जब हम इनका केयर अच्छे से करेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक ये फिर चल पाएंगे, दिस विल हेल्प अस सेव मनी। तो उससे क्या हो जाएगा, जब हम इनकी मेंटेनेंस या केयर करेंगे तो ये जो है लॉन्ग रन करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, उससे हमारी मनी जो है सेव हो जाएगी, तो हमारा जो पैसा है वो सेव हो जाएगा और हमें नए कंप्यूटर या नए मोबाइल फोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया कुछ बेसिक्स कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। अगर हम किसी चीज़ का हम केयर करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे फायदे क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेरे में यहाँ पे लिखता हूँ बेसिक टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस, मतलब कुछ बेसिक टिप्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कीबोर्ड का, कीबोर्ड। और कंप्यूटर में देखोगे कीबोर्ड, उसको क्या करना चाहिए, हमें कोई भी चीज जो है हमें नहीं खानी चाहिए, किस पे, कीबोर्ड पे। वी शुड नॉट ईट एनीथिंग या एनी फूड ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड फर्स्ट पॉइंट, कीबोर्ड की बात हम करेंगे। अगर हमको केयर करना है कीबोर्ड का, वो भी एक पार्ट है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का, तो उसका अगर हमें केयर करना है हमें कोई भी चीज कीबोर्ड के ऊपर नहीं खानी चाहिए या रखनी चाहिए, कोई भी फूड मटेरियल हमें उसके ऊपर नहीं रखनी चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, उससे क्रैम्प्स कैन डैमेज, उससे जो कुछ क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, क्रैम्प्स कैन डैमेज, उससे कुछ क्रैम्प्स जो है पड़ जाएंगे कीबोर्ड पे, उससे क्या हो जाए, डैमेज द इंटरनल पार्ट ऑफ द कीबोर्ड, क्रैम्प्स कैन डैमेज इंटरनल
पॉड ऑफ द, पॉड ऑफ द कीबोर्ड। तो हमें ख्याल रखना चाहिए जब भी हम कोई खाना खाएंगे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स में, तो हमें खाना कीबोर्ड पे नहीं रखना चाहिए, तो उसे कुछ क्रैम्प्स आ जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, इंटरनल पॉड जो है कीबोर्ड का वो डैमेज हो जाएगा। फर्स्ट वन, इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। सेकंड वन, जो स्क्रीन, स्क्रीन की बात आ गई यहाँ पे, स्क्रीन स्क्रीन का हम उसका केयर या मेंटेनेंस कैसे रख सकते हैं, हमें स्क्रीन के लिए क्या करना चाहिए। यू कैन वाइप द स्क्रीन, या वी कैन वाइप द स्क्रीन, वी कैन वाइप द स्क्रीन विद अ सॉफ्ट क्लॉथ, विद अ सॉफ्ट क्लॉथ, विद अ सॉफ्ट क्लॉथ टू रिमूव क्रैम्स, टू रिमूव क्रैम्स एंड डस्ट पॉडिकल्स, एंड डस्ट पॉडिकल्स। जो स्क्रीन है उस पे कभी कभी कुछ डस्ट भी पड़ जाती है, कुछ क्रैम्स क्रैम्स भी पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करें, एक सॉफ्ट क्लोथ से हमें अपनी स्क्रीन जो है, हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन जो है या मोबाइल की स्क्रीन है, उससे हम जो है उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, ताकि वो डस्ट एंड क्रम्स जो है दूर हो जाए। थर्ड वन, बी केयरफुल विथ फूड एंड ड्रिंक्स। जैसे कि मैंने अभी बताया, हमें केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम कोई फूड खाएंगे, या अगर हम कोई ड्रिंक या पानी मतलब वाटर कभी पियेंगे, तो वो डिवाइस पे नहीं पड़ना चाहिए, कीबोर्ड पे नहीं पड़ना चाहिए, माउस पे नहीं पड़ना चाहिए, मॉनिटर पे या सीपीयू पे नहीं पड़ना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दिस इज थर्ड वन। फोर्थ वन इज हैंडल डिवाइसेस केयरफुली। जो हमारे डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, हमें उनको हैंडल करना चाहिए केयरफुल, एहतियात के साथ हमें यूज करना चाहिए। फोर्थ वन। नाउ फिफ्थ वन इज, हमें हमेशा कीप द कंप्यूटर कूल। हमें ज्यादा रन नहीं करना चाहिए कंप्यूटर का, हमें कोशिश कर दीजिए कि हमारा सिस्टम जो कूल रहे, वो वार्म अप ज्यादा ना हो। फिफ्थ। सिक्स्थ वन इज डू नॉट ओवरचार्ज, ओवरचार्ज डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। हम क्या करते हैं, जब भी हमारा मोबाइल या लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है, फिर हम प्लग लगा के रखते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए, ओवर चार्ज उसको बोलते हैं, हमें ओवर चार्ज बैटरी कभी भी नहीं करनी चाहिए। दिस इज सिक्स वन। सेवन्थ वन, ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस, ऑलवेज प्लग इन डिवाइसेस केयरफुली। जो हमारी गलती है, जो हम जब भी हम प्लग यूज करते हैं मोबाइल का चाहे लैपटॉप का, तो हम ऐसे ही बिना देखे जो है ऐसे ही उसमें लगा देते हैं, लेकिन हमें उस टाइम केयरफुली एहतियात के साथ जब भी हम प्लग लगाएंगे बैटरी प्लग, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। दिस इज सेवन्थ वन। नाउ एट्थ वन इज डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट टाइम। ये भी हम बड़ी गलती करते हैं। जब आप देखोगे सिस्टम पे बहुत सारे प्रोग्राम जो है ओपन हमारे रहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ हम चलाते हैं, हमें वही प्रोग्राम रन करना चाहिए जिसकी हमें जरूरत होगी। उससे क्या हो जाएगा, अगर हम एक ही प्रोग्राम एक ही टाइम पे चलाएंगे, उससे जो है कंप्यूटर का उसी को बोलते हैं कियर करना, आके हमारा सिस्टम जो है कंप्यूटर जो है
वो हीट अप ना हो जाए, वो हैंग ना हो जाए। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इन चीज़ों का जब हम ख्याल रखेंगे उसी को बोलते हैं कंप्यूटर की केयर एंड इट्स मेंटेनेंस। ये पॉइंट्स मैंने बताए आपको, कुछ बेसिक टिप्स मैंने आपको बताए फॉर टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस, टेकिंग केयर ऑफ डिवाइसेस। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होगी और ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो है अप्लाई करोगे। सिंपल है, बहुत बहुत ही सिंपल पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।